हे एवरीवन, इस वक्त मैं हूँ कुआलालंपुर मलेशिया में और इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ अपनी सारी की हुई शॉपिंग। आज मैं गई थी पवेलियन मॉल और वहाँ से मैं कुछ चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ। गार्जियन से और वॉटसन से मैंने स्पेशली सारी शॉपिंग करी है और ये है मेरा विंडो से दिखता हुआ केएल मीनारा। अच्छा, इस वक्त बारिश हो रही है तो मेरे को लगा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसमें ना कुछ जो शॉपिंग है वो एक दो दिन पहले मैंने की थी नीचे डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे मोस्ट इंटरेस्टिंग लगी, ये जैपनीज़ मस्कारा विच इज़ वायरल, हम सबको पता है। ये ट्रायल पैक था, मुझे बड़ा प्यारा लगा क्योंकि इसके साथ रिमूवर भी मिल रहा था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई खरीदने से, तो मुझे लगा ये तो मुझे लेना ही है। फिर ये है सनस्क्रीन, अगेन वी ऑल नो ये काफ़ी वायरल है, जैपनीज़ है। तो हम ना ये आज सेकेंड पीस लेके आए हैं। जो दो दिन पहले ख़रीदा था ना, हमने अकलमंदी क्या की, हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ये खुली वाली है, ये हम दो दिन से इस्तेमाल कर रहे थे तो सबको, हम लोग को अच्छी लगी तो सोचा एक और ले लेते हैं। तो अब दो हो गई हैं, ये अगेन सब लोग जानते हैं वायरल है, कंसीलर है। अच्छा, इस सब में ना मैं आपको ये बताऊँगी, आप नाम वाम सब पढ़ते रहना। तो सबसे पहला पॉइंट जो अकलमंदी वाला, कि हम लोगों ने जो चीज़ें हमने यहाँ ख़रीदी वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो सपोज़ अगर हमें अच्छी लग रही हैं तो हम फिर जब तक यहाँ कुआलालंपुर में हैं तो हम, हमारे पास गुंजाइश है कि हम और दोबारा ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और एक और दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे यहाँ सेफोरा होता है कुआलालंपुर में, वॉटसन है उसी सेम तरीके का, तो वहाँ सारे प्रकार के स्किन केयर और मेकअप के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो जैसे अपने यहाँ सेफोरा है, इनके यहाँ वॉटसन है, तो वॉटसन को देख के एक अलग सी खुशी हो जा रही थी हम लोगों को, सभी को, कि यार यहाँ भी वॉटसन है, चलो ये वाला चेक करते हैं, चलो यहाँ भी वॉटसन है, ये वाला चेक करते हैं। अच्छा, तो मोस्टली हम लोगों ने स्किन केयर, हेयर मास्क और ऐसी थोड़ा मेकअप का सामान हमने ख़रीदा, क्योंकि क्या होता है ना, आपको जब भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हो आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है ना। आप सोवेनियर के लिए बस फ्रिज मैग्नेट लेके आ जाओ या कुछ डेकोरेशन आइटम, तो मतलब हम लोग को ये समझ में आया, तो हम लोग ने इस टाइप के स्किन केयर टाइप की चीज़ें ले ली। अच्छा, ये वीडियो के माध्यम से मैं अपने फैमिली में, मतलब मेरे घर में एक मेंबर को मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहती हूँ, जिनके कारण हम ये जैपनीज़ स्किन केयर लेके आए। उन्होंने बोला कि अगर आप मलेशिया जा रहे हैं और जैपनीज़ स्किन केयर नहीं लेके आते हैं तो आपका जाना वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो ये सारी जो चीज़ें चूज़ की हैं ये उन्होंने ही करी है, और इन सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके मुझे पर्टिकुलरली बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ना ये अच्छी तो हैं और कुछ तो कमाल कर दे रही हैं, चाहे बालों में चाहे स्किन में। तो स्पेशल थैंक्स टू दैट लेडी। अच्छा, क्या होता है ना, जैसे आप किसी अकलमंद के साथ वेकेशन पे जाते हैं तो आपका जाना बड़ा फ्रूटफुल सा हो जाता है, आपको लगता है कि यार हमने ज़्यादा मज़े कर लिए। मतलब जैसे होता ना कई बार, यू फील लाइक वैल्यू फॉर मनी, जैसे आप खर्चा तो करते ही हैं लेकिन कई बार ना लगता है यार पैसा खर्चा हो गया, मज़ा नहीं आया, लेकिन अकलमंद के साथ जाओ तो लगता है पैसा तो खर्चा हुआ लेकिन मज़े भी आए। तो इस बार हमें मलेशिया जाके ऐसा ही लगा कि ठीक है, बढ़िया से शॉपिंग अच्छी सी हो गई। तो यहाँ पे जैपनीज स्किन केयर जो हम लोगों ने महसूस किया, इंडिया में जैसे आप क्या करोगे, ऑनलाइन ख़रीदोगे, अमेज़ॉन से ख़रीदोगे, रिलेटिवली थोड़े प्राइस कम थे मलेशिया में, कुआलालंपुर में प्राइस हमें थोड़े से कम लगे, तो हमको ये बड़ा वाइज डिसीजन लगा। अच्छा, व्हेन आई से हम तो मेरा मतलब है कि प्लूरल, मैंने तो किया ही किया, जिन्होंने सजेस्ट किया उन्होंने भी किया, और जो लोग थे हमारे साथ तो लगभग सब ने ये चीज़ इस तरीके से, मतलब एक आइडिया फ्लोट हुआ, सबको पसंद आया तो सब ने ख़रीदा, इसलिए आई एम सेइंग हम। अच्छा, मुझे ना ऑफलाइन शॉपिंग करने में बड़े मज़े आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जिस चीज़ के लिए मैं पैसे दे रही हूँ मेरे हाथों में है, मेरे आंखों के सामने है, मुझे लेना है या नहीं लेना है अभी ऑन द स्पॉट डिसाइड होना है। ऑनलाइन में ना वो जो वेट वगैरह होता है ना, मतलब भले ही आपको
एक दिन का वेट करना पड़े, या मुझे थोड़ा उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो खैर मुझे मलेशिया में शॉपिंग करके मज़े आए। हम लोग ने यहाँ पर ना एक लोयार्ट प्लाज़ा लोयार्ट करके एक यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं, तो हमने वहाँ से भी शॉपिंग करी। वो व्लॉग मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी, वो इसमें नहीं है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें सेंट्रल मार्केट से मैंने ये बिस्किट्स खरीदे, और मुझे हमेशा से मालूम है जब आप वहाँ होते हैं ना, जिस भी अदर कंट्री में, आपको हर चीज़ ना बेजाब लगती है, मतलब ज़रूरत नहीं लगती है, ऐसा लगता है इसकी क्या ज़रूरत है। बट जब आप अपनी कंट्री में आ जाते हो और आप वहाँ की चीज़ें अपने देश में आके कंज्यूम करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको लगता है यार कितना सही किया आपने ये ख़रीद के। क्योंकि क्या होता है ना, यू आर री लिविंग दोज मेमोरीज इन योर कंट्री, तो आपकी वेकेशन थोड़ी लॉन्ग सी हो जाती है।